आज मुजफ्फरपुर के एक निजी रेस्टोरेंट में क्षत्रिय एकता संघ कुढ़नी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कुढ़नी उपचुनाव को लेकर की गई। पूर्व में क्रमशः 6/11/2022 एवं 23/11/2022 को कुढ़नी में क्षत्रिय एकता संघ के द्वारा किया गया। दोनों बैठक में क्षत्रिय समाज की कुढ़नी में राजनीति भागीदारी एवं राजनीति प्रतिनिधित्व को लेकर बैठक की गई। बताते चले कुढ़नी में राजपूत 42 गांव है जिसकी संख्या 28,000 है। बावजूद राजपूतों को सभी पार्टियों के द्वारा क्षत्रिय समाज को उपेक्षित किया गया, इसको लेकर राजपूतों में काफी आक्रोश था। दोनों बैठक के बाद चंदन कुमार भास्कर को क्षत्रिय समाज की ओर से राजनीति प्रतिनिधित्व एवं भागीदारी को लेकर कुढ़नी उपचुनाव को निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया था। बताते चले कि चंदन कुमार भास्कर लंबे समय से जदयू के मीडिया सेल प्रमुख के पद पर काम कर रहे हैं। जदयू में कुढ़नी विधानसभा टिकट के प्रबल दावेदारी कर रहे थे, लेकिन टिकट नहीं मिलने पर पिछले दिनों जदयू के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। मैं एक मीटिंग किए थे जब चुनाव की घोषणा हुई थी, तो सभी गांवों के जो 42 गांव हैं, यहां का जो बड़े बड़े गांव हैं, सभी प्रबुद्ध लोगों को हम लोगों ने कहा था चंदन जी से, आप सभी प्रबुद्ध लोगों को जो पॉलिटिकल रुचि रखते हैं, समाज के नेतृत्व करते हैं, समाज के जो अगुआ हैं, वैसे लोगों के साथ हम लोगों की बैठक हो। बहुत सारे लोग आए थे, बहुत अच्छी बात हुई थी, सरकार की प्रशंसा भी हुई, लेकिन यहाँ भागीदारी को लेकर के जरूर एक सवाल खड़ा हुआ था कि हमारा इतना वोट रहने के बावजूद भी हम राजनीतिक भागीदारी मुझे नहीं मिल पा रही है और हमसे कम संख्या वाला यहाँ की राजनीति तो नेतृत्व कर रहे हैं। ये बात हम लोगों की बहुत लगा और हम सभी, हमारे साथ है राणा रणधीर सिंह जी थे और हम लोगों ने जाके पार्टी के नेतृत्व के सामने इस बात को रखा था। चूँकि चुनाव में कई पहलू को देखा जाता है, उस पहलू में तुरंत जिस बात को हम लोगों ने उल्लेख किया, उस समय घोषणा हो चुकी थी, मनोज कुशवाहा जी पहले से यहाँ नेतृत्व कर चुके थे, तो कई परिस्थितियाँ सामने आई नेतृत्व के सामने और उन्होंने मनोज कुशवाहा जी को बनाए और जब ये चंदन जी इस्तीफा दिए और सही सवाल पर इस्तीफा दिए थे, मैं इसको कहीं से भी नहीं कर रहा हूँ, चूँकि समाज का नेतृत्व था, समाज के कहने पर इन्होंने ये निर्णय लिया था। मैं इनको धन्यवाद देता हूँ, आप समाज के चहेता हो, समाज के बड़े बुजुर्गों का आपका आशीर्वाद है, आप ऐसे आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ते रहें। इनको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर चिंतित हुए और पार्टी नेतृत्व ने हम लोगों को, हमारे साथ है मंजीत जी हैं पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, उपाध्यक्ष पार्टी के हैं हमारे रणजीत सिंह जी हैं, भाई हमारे हरिकिशोर जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उस मीटिंग में हरिकिशोर जी भी थे, तो हम लोगों को कहा गया कि आने वाले दिनों में जिस संख्या बल की बात कही गई है, जरूर हम लोगों के पास ये नॉलेज नहीं था जो विस्तृत आप लोगों ने जो बताया है, आने वाले दिनों में कुढ़नी का नेतृत्व इस समाज का, राजपूत समाज का दिखेगा और खासतौर पर मुजफ्फरपुर। हम लोगों ने गायघाट के भी बारे में कहा था कि गायघाट हमारा हमेशा से रहा है, इस पर बहुत चिंता व्यक्त किया गया और भविष्य में इस बात की पूरी आश्वासन दी गई कि मुजफ्फर जिला में राजपूतों का भी नेतृत्व सहभागिता, कई चीज़ें हैं, हमारे पास MLC है, आयोग है, तो बहुत सारे चीज़ों में संगठन का प्रमुख पद है, उसमें कुढ़नी की प्रतिनिधित्व दिखेगा। मैं इस पूरी तरह से मीडिया के माध्यम से अपने समाज के सभी अभिभावक को, नौजवान साथियों को, मित्रों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि राजनीति की लड़ाई आप सही रास्ते से लड़ रहे थे, इसकी अंजाम बहुत अच्छा होगा। आपने नेतृत्व में विश्वास किया, भरोसा किया और आपने जो आज निर्णय लिया है, हम इसको स्वागत करते हुए आप सबों को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप सबों का भूमिका आने वाले दिनों में दिखे। राजपूत समाज लगातार वोट तो बीजेपी को देते आ रहे हैं। देखिए ये बड़ा लंबा हो जाएगा, कभी का इतिहास नहीं रहा है राजपूतों को, मैं खास कर राजपूतों में जानता हूँ, राजपूत कभी भी भाजपा ही नहीं रहे आजादी के। मैं आप 2013 के बाद सडन एक परिवर्तन जरूर हुआ, उसके पहले भाजपाई गांव में दिखते नहीं थे। इतिहास रहा है राजपूतों का, लोकतंत्र जब बना था तो या तो कांग्रेस ही रहे, नहीं तो समाजवाद बना तो समाजवादी रहे, कभी भी भाजपा ही नहीं रहे। 2013 में जरूर एक हमारा समाज शिफ्ट किया, लेकिन बिहार जो हिस्से में, हमारे भारत का हिस्सा में
जो बिहार मिला है हमारे भाजपा के आईने में हमारा समाज कहीं नहीं दिख रहा है, जबकि हम 95% वोट दिए हैं। तो हमारी भूमिका इस सरकार में बहुत उच्चतम दिखना चाहिए था। समाज हमारा नाराज है और आने वाले दिनों में और कोहनी की मैं चुनाव में कह रहा हूँ कि राजपूत अपनी भूमिका को दिखाएंगे कि हमारी वोट 95% का जो अनादर किया है तो इसका रिजल्ट मैं कोहनी में आपको हरा कर दिखाऊंगा। चुनाव के अंतिम समय में आप कोई बड़ी पार्टी आपसे संपर्क करती है, आप लोग समर्थन दे रहे हैं, जबकि आप लोगों ने कहा कि हमने मीटिंग भी की है। तो आप इस रूप में इसे लेते हैं कि अंतिम समय में जब आपने मीटिंग की, आपके समाज ने मीटिंग अपने संख्या बल का वो बताया, तब जाकर के कोई पार्टी आपसे संपर्क करती है, आप उसका समर्थन साथ ही साथ इसी रूप में देखिए, लोकतंत्र में संख्या बल बहुत मायने रखता है। यदि आप संख्या बल को ठीक से आप प्रोजेक्ट नहीं करोगे, प्लेस नहीं हम करेंगे नेतृत्व के सामने या पार्टियों के सामने, हमारी भूमिका नहीं मिलने वाली है। कि मैं धन्यवाद देता हूं चंदन को कि चंदन जी बहुत अच्छे तरीका से अपने अभिभावकों से राय लेते हुए, युवाओं के साथ भाईचारा बनाते हुए सही समय पर इन्होंने कुढ़नी की जो संख्या बल नेतृत्व तक पहुँचाया है और नेतृत्व ने इसे बहुत गंभीरता से लिया और तभी हम लोगों को अधिकृत करके विदा किया गया कि आने वाले दिनों में कुढ़नी में नेतृत्व राजपूतों को दिखेगा।